शुरू करो जी बंगाली बाबा। जल दू ये लाल दू आई वाला को डाल दू हक अल्लाह उधर का माल इधर ला। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है बेटा तेरा? बाबा साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत माल कमा रहा हूँ लेकिन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। माल आते हुए नजर आ रहा लेकिन दवा खानों में कोरट कचियों में चले जा रहा है। अब मैं क्या करूँ बाबा साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित जल दू या लाल दू आई वाला को डाल दू। बेटा असरात का मसला है, बहुत भारी है, इलाज करना पड़ेगा, 10,000 रुपए खर्चा आएगा। 2 शनिचर 3 मंगल इलाज करना पड़ेगा, इलाज हो जाएगा। 200 रुपए फीस डब्बे में डाल दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है बेटा तेरा? बाबा साहब मेरा भी बहुत बड़ा मसला और मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, मुझको औलाद ही नहीं हो रही मौला। बाबा साहब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। जल दू या लाल दू आई वाला को टाल दू। बहुत भारी मसला है, तेरे घर में जिन्नात है, इलाज करना पड़ेगा। 15,000 रुपए खर्चा आएगा, 3 मंगल 4 शनिचर इलाज करना पड़ेगा, इलाज हो जाएगा। 200 रुपए फीस डब्बे में डाल दे बेटा। अरे यार ये बच्चों को हटाओ ना यहाँ से। हाफिज रिजवान ये बच्चों को हटाओ ना। जल दू या लाल दू आई वाला को डाल दू हक अल्लाह उधर का माल इधर ला। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है बेटा तेरा? बाबा साहब मैं ना बहुत परेशान, मेरी सास ना मुझे चैन से जीने नहीं देती और बात बात पे जाने देती है, बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती है, मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है। तुम ही बताओ बाबा साहब मैं क्या करूँ। जल दू या लाल दू आई वाला को टाल दू। 8,000 रुपए खर्चा आएगा, मैं एक ताबीज दूंगा, जब भी तुम दोनों का झगड़ा हो उस ताबीज को अपने दांतों के नीचे दबा लेना, अगले मंगल तक फायदा नजर आएगा। 200 रुपए डब्बे में डाल दे बेटा। जब वो दांतों के अंदर में ताबीज को दबाएंगी तो कुछ बोलेंगी क्या? कुछ नहीं बोलेंगी, ये ले बेटा ताबीज, फायदा नजर आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है बेटा तेरा? बाबा साहब मेरे को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ आप ही बताओ बाबा साहब। जल दू या लाल दू आई वाला को डाल दू। बेटा तेरी रोजी को किसी ने बांध दिया है, इलाज करना पड़ेगा, 5,000 रुपए खर्चा आएगा, 2 शनिचर 3 मंगल इलाज करना पड़ेगा, इलाज हो जाएगा। 200 रुपए डब्बे में डाल दे बेटा। देखो दादी को पकड़ के लेकर आओ, गिर जाएंगे दादी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है बेटा तेरा? बाबा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने मेरे बेटे की शादी कर दी और मेरे बहू ने और मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे ने और मेरे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं लोगों के घरों में बर्तन धो रही हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। तुम ही बताओ बाबा साहब मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
जल्दो या लाल्दो आई बड़ा को टाल दू, तेरे बहू और तेरे बेटे का वो तू मुझे दे दे, मैं इलाज कर दूंगा। तू बहुत गरीब है इसलिए 1000 रुपए खर्चा आएगा, इलाज हो जाएगा। 200 रुपीस डब्बे में डाल दे बेटा। ये अंडा तेरे बच्चे को खिला दे, इंशाल्लाह तेरे बच्चों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। गुड्डू भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे को वो दगड़ो ने बताया कि बाबा है तो ये यूपी के बाबा है, अभी अभी आए, बहुत अच्छा इलाज करते हैं और फीस 200 रुपए लेते हैं, इलाज के सामान के पैसे हफ्ते से लेते हैं। अच्छा आप सबके मसले क्या है? मौलाना साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत माल कमा रहा हूँ लेकिन कहाँ जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा, माल आते हुए नजर आ रहा लेकिन दवा खानों में खुराक कच्चियों में चले जा रहा है, अब मैं क्या करूं मौलाना साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? नहीं मौलाना कभी कभी पढ़ता हूँ। बेटा बेटा अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया रोजी की बरकत नमाज में है, सुबह नमाज पढ़कर रोजी के लिए निकलने वाला ऐसा है जैसे कि इबादत कर रहा हो, आपके मसले का हल हो गया। हाँ बेटा तुम बता तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। मेरा भी बहुत बड़ा मसला और मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, मुझको औलाद नहीं हो रही मौलाना, अभी बताओ मैं क्या करूँ। बेटा तेरी शादी को कितने साल हो गए? मौलाना अभी 5 महीने पहले तो शादी हुई, मुझे एक ने बताया था तेरी को औलाद नहीं होगी इसलिए तुम बाबा के पास से आई थी। औलाद का देना अल्लाह के हाथ में है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया हम जिसे चाहे लड़का दे जिसे चाहे लड़की दे और जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बे औलाद रखे, तुम अल्लाह से औलाद मांगो अल्लाह ही देने वाला है। हाँ बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। मैं ना बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मेरी सास ना मुझे चैन से जीने नहीं देती और बात भी जाने देती है, बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती है, मेरा शोहर मुझे बहुत मारता है, तुम ही बताओ मौलाना साहब मैं क्या करूँ? तुम अपनी सास और ससुर के अपने वालिदैन की तरह खिदमत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल लेगा और तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। हाँ बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। मेरे को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ आप ही बताओ। बेटा कोई किसी की रोजी नहीं बांधता, रिस्क का देना अल्लाह के हाथ में है, ये तुम्हारा वहम है, जिस तरह तुम यहाँ आए हो उसी तरह मस्जिद में जाते और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह तुम्हारे मसले को जरूर हल करता। देखो दादी को पकड़ो अच्छे से। हाँ जी तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम मौलाना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने मेरे लड़के की शादी कर दी और मेरे बहू ने और मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लोगों के घरों और अपना गुजारा कर रही हूँ, तुम ही बताओ मौलाना साहब मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। खाला जान देखो बहू भी किसी की बेटी है और अक्सर ऐसे जो मामले होते हैं वो दोनों के गलतियों से होते हैं, इसलिए कि सास को चाहिए कि अपने बहू के साथ अपनी बेटियाँ से बर्ताव करे और बहू को चाहिए कि अपने सास के साथ अपनी माँ के साथ बर्ताव करे, अगर हम तमाम मिलकर ऐसा माहौल बना लेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएंगी। बाबा साहब आपने कहाँ से तालीम हासिल की? मौलाना साहब मैं मंगलू बाबा के दरबार का मुजावल हूँ, मैंने वहीं से सीखा है। बाबा साहब आप नमाज तो पढ़ते होंगे? हाँ पढ़ता हूँ ना, जरूर पढ़ता हूँ रमजान और बकरीद की। और रोजाना की नमाज पता है आपको कितनी है? हाँ पता है ना, फजर की 4 रकात फर्ज है और ईशा की 2 रकात फर्ज है, बाकी सारा दिन इलाज से फुर्सत नहीं मिलती। बाबा साहब आपको अजू आता है? हाँ आता है ना, उसमें मुंह धोते है ना बस। मेरे भाई और अजीत शादी और
पर्दे में सुन रही खवातीनों, सुनो तुम अपना इलाज ऐसे आदमी से कर रहे हो जिसे खुद इलाज की जरूरत है, जिसे नमाज का पता नहीं, जिसे वजू का तरीका पता नहीं, जिसे नमाजों की रकात की तादाद का पता नहीं, ये शख्स क्या इलाज करेगा। हम देख रहे हैं कि कोई दरगाह से इलाज। मौली साहब इधर मुतवज्जे हो ना। हम देख रहे हैं कि कोई दरगाह से इलाज कर रहा है, कोई पंडित से इलाज कर रहा है, कोई इन जैसे नकली आमिलों से अपना इलाज कर रहा है। मौलाना साहब आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैं भी अपनी ये दुकान बंद करता हूँ और तौबा करता हूँ कि आज के बाद लोगों को नहीं लूटूंगा। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप भी इन जैसे नकली आमिलों के पास जाने से परहेज करें और अपना अल्लाह को मनाएं, उसी से अपने मसले हल कराएं। हमारे उस्ताद कहा करते हैं कि जो सुन्नत और शरीयत का पाबंद होता है उसे कोई चीज तकलीफ देने वाली चीज नुकसान नहीं पहुँचाती। दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं 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 नहीं, हां हां, ताले नहीं बजा बाकी हजरत।